बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर के जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बिहार बोर्ड फिर से परीक्षा सेंटर पर एक बदलाव किया गया है, जो सभी स्टूडेंट के जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार पूरी तरह से एग्जाम सेंटर पर मोबाइल ऐप के जरिए पूरी निगरानी किया जाएगा। तो मोबाइल ऐप के जरिए किस तरह से आप लोग को निगरानी होगा और साथ ही साथ स्टूडेंट को क्या फायदा होने वाला है, इस वीडियो में बने रहेगा, लास्ट तक सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से बिहार बोर्ड से हर छोटी बड़ी न्यूज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं बताया गया कि एडमिट कार्ड में त्रुटि तक बोर्ड की भेजी जाएगी रिपोर्ट। अगर किसी प्रकार के स्टूडेंट की एडमिट कार्ड में त्रुटि है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत भेजा जाएगा आप लोग को बोर्ड के पास। साथ ही साथ इस बार आप लोग को निगरानी जो किया जा रहा है मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। तो किस तरह से आप लोग को प्रोसेस काम करेगा और किन किन स्टूडेंट का उस ऐप के जरिए अगर निगरानी होती है तो स्टूडेंट को फायदा क्या होगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूँ। .net बच्चे आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं या प्रॉब्लम हो रहा है फोटो खींचिए कराओ परसमिट कीजिए पाई वीडियो सोल्यूशन 5 सेकंड के अंदर। साथ ही साथ चाहे वो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क का हो या CBSE UP महाराष्ट्र राजस्थान MP किसी भी अनदर बोर्ड का हो, साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12वीं तक IIT जेईई मेंस लेवल तक के सभी क्वेश्चन को सोल्व मिलेगा। चाहे विषय प्रॉब्लम आप लोग को फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ हो या बायोलॉजी हो किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग को सभी को सोल्व मिलेगा। साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12वीं तक अभी चल रहा है लाइव क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो 3 करोड़ से अधिक बच्चे ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, आप ही ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देख सकते हैं बताया गया है कि इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की निगरानी मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा, यानी स्पष्ट रूप से आप लोग को बताई गई है। साथ ही साथ बोला गया है कि 7वीं पाली बार में विषय बार की इसकी रिपोर्ट भी ली जाएगी। यानी आप लोग को यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि मैट्रिक इंटर के जितने भी स्टूडेंट इस बार अगर एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट का निगरानी मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा और साथ ही साथ पाली बार और विषय बार की भी जानकारी उनकी रिपोर्ट आप लोग को मोबाइल ऐप के जरिए लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोग को इसके लिए सभी केंद्र अधीक्षक कंप्यूटर शिक्षकों की मंगलवार की बीबी कॉलेज ये स्थित महाविद्यालय में समिति क्षेत्रीय कार्यालय में ट्रेनिंग दी गई है। निगरानी के लिए बिहार बोर्ड ने आप लोगों को देख सकते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन ऐप तैयार किया है, यानी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन ऐप एक लॉन्च किया है। उस ऐप के जरिए पूरी तरह से प्रोसेस आप लोग को काम करेगा और उसमें स्टूडेंट को फायदा क्या होगा और किस तरह से काम करेगा बताया जा रहा है यहाँ पर कि ट्रेनिंग में बताया कि परीक्षा में से जुड़ी हर जानकारी बोर्ड को तुरंत उपलब्ध करानी होगी। यानी अगर किसी प्रकार की भी त्रुटि है और क्या क्या प्रोसेस वहाँ पर चल रहा है इसकी जानकारी तुरंत बोर्ड को भेजना होगा। हर दिन दोनों पालियों में उपस्थित सही छात्र एवं छात्राओं की संख्या उपस्थिति अनुपस्थिति प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर अन्य सारी सामग्री वस्तुनिष्ठ बोर्ड को अवगत कराना होगा। यानी मोबाइल ऐप के जरिए जिस भी एग्जाम सेंटर पर एग्जाम चल रहा है वहां पर कितना स्टूडेंट आए हैं कितना स्टूडेंट नहीं आए हैं कितना प्रश्न पत्र वहां पहुंचा है कितना प्रश्न पत्र नहीं आया कितना बच गया है सारा प्रोसेस यहां पर आप लोग को बताया गया है। मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत बोर्ड को नोटिफिकेशन देना होगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को बात यहां पर स्टूडेंट के लिए देख सकते हैं बताया गया है कि किसी छात्र के एडमिट कार्ड पर फोटो या यानी किसी भी त्रुटि होने पर केंद्र से मोबाइल ऐप के एडमिट कार्ड के तस्वीर खींचकर यहां पर देख सकते हैं आप लोग को बताया गया कि बोर्ड को भेजनी होगी। साथ ही साथ परीक्षा के दौरान निकासित होने वाले छात्रों को भी जानकारी मिलेगी जानकारी देनी होगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड में अगर किसी प्रकार की भी त्रुटि है तो उसका रिपोर्ट आप लोग को तुरंत बोर्ड के पास चला जाएगा और जल्द ही उसका तुरंत आप लोग को सुधार करने के अवसर आप लोग को दिया जाएगा। तो स्टूडेंट का भी इस मोबाइल ऐप के जरिए आप लोग को फायदा होने वाला है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट का किसी प्रकार की अगर त्रुटि रह जाती थी तो उसकी जानकारी तुरंत आप लोग को बोर्ड के पास चला जाएगा और आसानी ढंग से आपका काम तुरंत प्रोसेस हो जाएगा। तो यह छोटा सा सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा आप लोग को फायदा मिलने वाला है इस बार एग्जाम सेंटर को लेकर और एग्जाम में आप लोग को प्रोसेस देखने को मिलेगा। जिले में इंटर की परीक्षा की तैनात किया गया है, कंप्यूटर शिक्षकों के कर्मियों की इसकी ट्रेनिंग दी गई है। मैट्रिक परीक्षा के लिए जिला में आप लोग को 74 केंद्र बनाए गए, इंटर की परीक्षा के लिए 62 केंद्र बनाए गए हैं। पूरी तरह से आप लोग को व्यवस्था किया गया है, सभी केंद्रों पर एक कंप्यूटर शिक्षक या टेक्निक विशेष तैनात किया गया है और सभी के पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। यानी केंद्र पर सभी जितना भी केंद्र अधीक्षक है वहां पर आप लोग को स्मार्टफोन होना जरूरी है और यहां पर आप लोग को परीक्षा के दौरान मोबाइल ऐप से सारी निगरानी आप लोग को किया जाएगा। इस बार पूरी तरह से आप लोग को व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बिहार बोर्ड लगातार कोशिश कर रही है कि जितना भी एग्जाम सेंटर को लेकर त्रुटि रहती थी उन त्रुटियों को सुधार करे और एग्जाम में अच्छा अंक आए एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।